अपराधियों के इस राज्य के कारण जो बिहार वासियों के मन में भय का वातावरण है कि आज बच्चे स्कूल जाने से भी संकोच करते हैं, गार्जियन भेजने में डरते हैं, बिहार में कोई इंडस्ट्री आ नहीं रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और रोज़ आपराधिक घटना हो रही है, हत्या की, दुष्कर्म की, डकैती की, लूट की, अपहरण की चौपट है नीतीश जी। और अभी भी आप कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू नहीं नीतीश जी, आप कुशासन बाबू हैं। ललन सिंह ने कहा है कि 2024 बदल देंगे अगर 24 में आएंगे, नरेंद्र मोदी संविधान हो जाएगा। ललन जी को संविधान समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। अंबेडकर जी के संविधान को जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में सही मायने में अंबेडकर जी के संविधान के भावनाओं के अनुरूप देश की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, दलित वंचितों की सेवा की है, समाज के लिए जितनी योजनाएं चलाई है, यह आज़ादी के इतिहास में पहली बार इतना काम किया गया है। पंच तीर्थ अंबेडकर के नाम पर कौन बनाए? माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को आज तक ठीक से न पढ़े होंगे, न समझे होंगे, न उसकी भावना को ललन जी, आरजेडी के, जदयू, कांग्रेस के लोग नहीं समझते होंगे। उसी अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोकने वाली कांग्रेस की गोद में है। संविधान का मजाक नहीं था क्या? इन लोग क्या समझेंगे संविधान को? संविधान को किसी मार्ग को अगर समझा है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और संविधान को माथा से लगाकर संविधान की मंदिर जहां यह संविधान को बनाया गया था वहां प्रधानमंत्री जी संविधान में सदन में प्रवेश करने से पहले माथा टेके थे। संविधान के विषय में जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके अनुरूप आदर के साथ, उस भाव के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो काम किए आज तक किसी ने किया। संविधान को न ललन जी समझते हैं, न मतलब है, संविधान को समझते तो कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते। ये येडियुरप्पा लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी हालत बदतर है भारत की, भारत से अच्छा स्थिति पाकिस्तान की है कानून व्यवस्था में, ये हमने रिपोर्ट कर रहे हैं। भैया जेडीयू कह रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों को एक बार पाकिस्तान जाकर भर बन करना चाहिए, वहाँ की महंगाई देखनी चाहिए, वहाँ के आतंक राज को देखना चाहिए। मैं किसी देश पे नहीं कह रहा हूँ, चूँकि जदयू के लोग बोल रहे हैं तो आज यह अपरोक्ष रूप से भारत की जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती है, जदयू आरजेडी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए, और वहाँ पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाले जदयू के लोग देख रहा है कि आज पाकिस्तान के जिंदाबाद लगाने वाले लोग क्या है? जिंदाबाद है ना यहाँ। पाकिस्तान की विधि व्यवस्था कितनी चौपट है, पूरा दुनिया पाकिस्तान के विषय में जान रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी भारत 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 जैसा हमारी व्यवस्था करें, और ये पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान का गुनगान है। इन लोगों का दिमाग समाप्त हो गया है, दिमागी दिवालियापन है, और भारत के संविधान में निष्ठा नहीं है, भारतीयों पर इनको विश्वास नहीं है, इनको पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर विश्वास है। मालूम है कि लोग क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाकर, यह देश के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई देशभक्त व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। अटल पार्क का नाम बदल के कोकोनट पार्क रखा जा रहा है, बहुत आपत्तिजनक है। अभी हम को पता चला कि भारत रत्न पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग में एक पार्क बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है। सरकार के द्वारा ही वह घोषित है, वह मूर्ति भी सरकार के द्वारा ही निर्मित है, और आज उसका नाम तेजस्वी जी बदलकर कोकोनट पार्क कर रहे हैं। नीतीश जी सोचिए, तेजस्वी जी कल आपका भी नाम बदल देने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान और बिहारियों के दिल में बसे हैं, रमे हैं।
पूजनीय हैं, आप पार्क के नाम बदलकर अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम को धूमिल करना चाहते हैं, आप पार्क का नाम बदल के देखिए बिहार की जनता किस प्रकार से आपसे पूछती है कि आप पार्क का नाम बदलकर आपने कितना बड़ा अपराध किए हैं। यह बदलाव बड़ा अपराध है, भारत रत्न है, या ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता है और उनका नाम बदलना घोर आपत्तिजनक है। अभी भी नीतीश जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अभी भी तेजस्वी जी को रोकिए और उस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क ही रहने दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क ही रहने दीजिए। नहीं तो नीतीश जी आपका भी नाम बदलने वाले हैं तेजस्वी जी, बिहार तो नाम आपका बदल ही दिया है, बच्चे तक आपका नाम बदल दिया है, और जितना नाम आपको बदल चुके हैं तेजस्वी जी, फिर न जाने कहां कहां से नाम किस डिक्शनरी से ढूंढकर आपका भी नाम और बदलने वाले हैं।